सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। एंड इस वीडियो में आपको चेंज डॉट फाइनेंस के अपडेट के बारे में आपको बताने वाला हूँ, जो मैंने एयर ड्रॉप बताया था एंड उसका विड्रॉल कब होगा एंड किस किस एक्सचेंजों पे लिस्ट होगा, वो सारी डिटेल इस वीडियो में बताऊँगा। एंड इसमें अगर कुछ नए मेंबर हैं तो उनको मैं साइनअप का प्रोसेस भी बता दूँगा। सो सबसे पहले मैं इस लिंक को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप नए मेंबर हो तो इसको ज्वाइन कर सकते हो। एंड बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है, जो सेफल एयर ड्रॉप आया था जब वो बाइनेंस पे लिस्ट हुआ तो उसका एक टोकन का प्राइस $1 से लेके $2-3 तक गया। एंड वहाँ पे लोगों ने 200, 400, 500, 1500 टोकन अर्न किए थे, जिनकी आज के टाइम में वैल्यू लगभग $1000 में है। सो गाइस, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। इस प्रोजेक्ट का ना कोई पर सेल आने वाला है, ना प्राइवेट सेल आने वाली है, ना ही कोई आईडीओ आएगा। बस यहाँ पे एयर ड्रॉप के थ्रू जो भी लोग इस टोकन को अर्न करेंगे गाइस, वो ही टोकन मार्केट में आएंगे। सो आप सोच सकते हो, जब इतनी कम सप्लाई शुरू में मार्केट में आएगी तो इसका प्राइस कहाँ जाएगा गाइस। सो सबसे पहले इसका साइनअप का प्रोसेस बता देता हूँ एंड इसमें जो कुछ चीज़ें मैंने छोड़ दी थी वो मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए, जो भी नए मेंबर हैं, सबसे पहले जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया उस पर क्लिक करके आप जब इस डैशबोर्ड पे आ जाओगे, चाहे आप अपने लैपटॉप में हो या फिर फ़ोन में, तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे माय अकाउंट पे। यहाँ पे ईमेल से कुछ एरर आ रहा है, सो आपको अपने सोशल मीडिया अकाउंट से यहाँ पे लॉग इन साइन इन साइन अप कर लेना है। एंड उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पे जो नीचे यहाँ पे शो हो रहा है आपको दिखा देता हूँ, ये जो यहाँ पे आई एग्री का ऑप्शन शो हो रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे एंड ऊपर जिस भी सोशल मीडिया से आप अपना अकाउंट साइनअप करना चाहते हो उससे आप क्लिक करके, जैसे मैं ट्विटर पे क्लिक करता हूँ एंड ऑटोमेटिकली अब मैं यहाँ से वेबसाइट पे आ जाऊँगा, यहाँ पे ऑथराइज करने के लिए परमिशन मांगेगा एंड ऑटोमेटिकली मैं अपनी अकाउंट में एक्सेस हो जाऊँगा। सो गाइस, ये रहा मेरा डैशबोर्ड, ये देखिए, जिसमें मैंने 183 टोकन अर्न के लिए कर लिए हैं। सबसे पहले जैसे ही आप आओगे इस मतलब साइट पे, तो यहाँ पे जो आपको ये शो हो रही है, ये यहाँ पे जो वेटिंग लिस्ट शो हो रही है, यहाँ पे ये वाइट कलर का होगा, यहाँ पे आपको ज्वाइन वेटिंग लिस्ट का ऑप्शन आएगा। जब आप वेटिंग लिस्ट पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे इंस्टेंटली 50 CHNG टोकन आपके अकाउंट में यहाँ ऊपर ऐड हो जाएंगे। सो आप इस एयर ड्रॉप को मिस मत करिएगा, मुझे यकीन है ये एयर ड्रॉप हमें अच्छा खासा अमाउंट दे के जा सकता है, वो भी फ्री में। मैंने इसको साइनअप का प्रोसेस बता दिया एंड देखिए यहाँ पे अब हमें अर्निंग कैसे करनी है। ऊपर जो ऑप्शन शो हो रहा है ये वाला, यहाँ पे अर्न का, इस पर हम करेंगे क्लिक एंड यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप डिपॉजिट भी कर सकते हो, मगर मैं आपके लिए रिकमेंड नहीं करूँगा डिपॉजिट के लिए। अगर यहाँ पे आप कुछ भी डिपॉजिट करते हो तो यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे आप दो सतोसी डालते हो तो आपको उस दो सतोसी का एक CHNG टोकन मिलेगा रिवॉर्ड के तौर पे। तो यहाँ पे मैंने $1 डिपॉजिट किया था गाइस, ओनली $1 मैंने एग्जाम्पल के तौर पे किया था, अपने पर्सनली ऐसे ही नहीं, क्योंकि जो फ्री में एयर ड्रॉप आते हैं उसको मैं इन्वेस्टमेंट करके नहीं अर्न करना चाहता। सो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल ट्रायल किया था, तो यहाँ पे मैंने किया डिपॉजिट पे क्लिक एंड यहाँ पे दो ऑप्शन आएंगे आपके लिए, ये देखिए ऊपर जो ऊपर शो हो रहे हैं, मैं आपके लिए रिकमेंड नहीं करूँगा मगर मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए, एक है ERC-20, एक है TRC-20। अगर आप ERC-20 पे करोगे तो लगभग आज के टाइम में 40-50 गैस फीस लग रही है। एंड यहाँ पे अगर आप TRC पे क्लिक करोगे गाइस, TRC पे, ये देखिए येलो कलर का TRC पे यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे आपको 0 फीस लगेगी, 0। जी हाँ, मैंने अपने बाइनेंस अकाउंट से $1 ट्रांसफ़र किया एंड मुझे वहाँ पे 0 फीस लगी, कुछ भी नहीं। एंड यहाँ पे सबसे अच्छी बात क्या है, जो भी आपने यहाँ पे ये डिपॉजिट किया है $1, जैसे मैंने डिपॉजिट किया, सो आप इसको विड्रॉल भी
कर सकते हो। ये देखिए यहाँ पे जो विड्रॉल का ऑप्शन है, यहाँ पे करोगे विड्रॉल पे क्लिक एंड यहाँ पे ऊपर जैसे फिर से शो हो गया आपके सामने ऑप्शन, ये देखिए ERC20, तो यहाँ पे मैं TRC20 पे करूँगा एंड यहाँ पे देखिए आपको फीस बिल्कुल जीरो हो गई। एंड यहाँ पे मैं करूँगा मैक्सिमम एंड $1 आ गया। यहाँ पे डालूँगा मैं अपना एड्रेस कुछ भी हो एंड मैं कर दूंगा सबमिट, तो मेरा यहाँ पे विड्रॉल भी हो जाएगा। सो यहाँ पे कोई लॉकिंग पीरियड नहीं है एंड यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट मत करना, अगर करना हो $1 तो अपनी मतलब खुद की रिस्क पे करना, अगर आप $1 मतलब गवाना चाहते हो अगर कुछ भी अर्न हो। मगर यहाँ पे जो फ्री में हमें अर्निंग कैसी है वो मैं अभी आपको बता दूँ एंड यहाँ पे वेटिंग लिस्ट शो हो रहा है यहाँ पे आपके सामने, वीडियो को पूरा देखिएगा आप फिर मिस कर दोगे। यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे जो शो हो रहा है प्रोफाइल पे, मेन चीज़ है ये। सबसे पहले हम अपनी प्रोफाइल में आ जाएंगे एंड यहाँ पे हम देखिए अप टू 145 टोकन अर्न कर सकते हैं। मैंने अपनी पिछली जो हमने वीडियो में बताया था गाइस, ये देखिए हमने अपने चैनल पे कुछ वीडियो अपलोड की थी जो कि अभी हमने अपडेट दिया है 2-3 दिन पहले, एक ये एंड एक हमने और वीडियो बनाई थी जो कि थी ये वाली जिसमें हमने अपना ये भी दिखाया कैसे हमने $2,000 का प्रॉफिट किया था, वो भी आपके सामने हमने लाइव दिखाया है। सो आप ये वीडियो जाके वॉच कर सकते हो एंड ये वाली भी वीडियो जाके वॉच कर सकते हो। एंड अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हम अपने चैनल पे ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं एंड आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हो। सो चलिए जो प्रोसेस है वो हम आपको बताते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर ऐड कर लिया है। मैं आपसे रिकमेंड करूँगा आप यहाँ पे 2-3 प्रोफाइल यहाँ पे ऐड कर लो। एंड देखिए सबसे जो इसमें मेन चीज़ थी जो कि थी फ्यूजन वॉलेट की, जो हमें अगर हम यहाँ पे क्रिएट नहीं करते हैं तो मे बी शायद हमें ये टोकन नहीं मिले। तो जो मेन चीज़ है यहाँ पे मैं आपको फ्यूजन टोकन मतलब वॉलेट क्रिएट करना बताऊँगा जो कि है ये लास्ट में, ये है यहाँ पे हम अगर इनपुट करेंगे तो यहाँ पे हमें अपना एड्रेस डालना पड़ेगा, वो मैं अभी आपको बिल्कुल लाइव क्रिएट करके बताऊँगा। ये देखिए मैंने अपना यहाँ पे लिंक्डइन कनेक्ट कर लिया है, टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक, ये सारा कुछ मैंने यहाँ पे अपना ऐड कर लिया। तो चलिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया माई फ्यूजन वॉलेट की। सो जो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया आप उस पर क्लिक करके इस डैशबोर्ड पे आ जाओगे, आपको ये वॉलेट क्रिएट करना है। एंड अगर आपने पास्ट में माई ईथर वॉलेट का म्यू का वॉलेट अगर कभी क्रिएट किया होगा तो आपको पता होगा क्या करना है। सो अगर जो नए मेंबर हैं तो उनको मैं बता देता हूँ, जैसे ही आप इस डैशबोर्ड पर आओगे जो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर, वहाँ पर आप जाके कॉपी पेस्ट करके ओपन कर सकते हो। सो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले आप आओगे तो आपके पास यहाँ पे वॉलेट तो है नहीं, अगर है तो आप यहाँ पे की स्टोर या फिर प्राइवेट की से लॉगिन कर सकते हो। एंड यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, ये देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन शो हो रहा है ना क्रिएट वॉलेट, यहाँ पे आपको करना है क्लिक। अब देखिए यहाँ पे आपने किया क्रिएट वॉलेट, अब ये क्या बोल रहा है, मस्ट बी 9 करेक्टर ऑफ क्रिएटर, मतलब आपको 9 क्रिएटर मतलब पासवर्ड क्रिएट करना है जिसमें 9 डिजिट होने चाहिए, अपर लोअर एंड कुछ $@ वगैरह। तो चलिए यहाँ पे मैं अपने कुछ 9 अंकों का पासवर्ड सेट कर लेता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे पासवर्ड कर लिया सेट एंड यहाँ पे अब मैं करता हूँ क्रिएट अ न्यू वॉलेट पे क्लिक। अब देखिए जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया यहाँ पे देखिए मुझे क्या आ गया ऑप्शन, आपको जब ये वॉलेट क्रिएट करना है तो अच्छे से अपनी प्राइवेट की को ज़रूर सेव रखना ताकि फ्यूचर में आप आपके कितने भी फ़ोन बदल जाएं कुछ भी हो जाए आप अपने वॉलेट को उस प्राइवेट की के थ्रू लॉगिन कर सको। सो यहाँ पे तो चलिए मैं इसको अप कर लेता हूँ की स्टोर फाइल को डाउनलोड, जो कि एक डेमो अकाउंट आपको क्रिएट करके बता रहा हूँ। मैंने अपना ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट कर लिया है एंड मैं अपने अकाउंट में आपको लाइव लिंक करके दिखाऊंगा, ठीक है। सो यहाँ पे मैं करता हूँ डाउनलोड एंड ये देखिए डाउनलोड स्टार्टेड हो चुकी है। एंड
एनडीए में भी डाउनलोड कंप्लीट हो चुकी है। सो, यहाँ पे मेरी डाउनलोड हो गई एंड मैं यहाँ पे करता हूँ कन्फर्म कंटिन्यू। अब देखिए एक्सेस माई वॉलेट, अब यहाँ पे एक्सेस करने का ऑप्शन आ गया है एंड वो आपकी की स्टोर फाइल थी एंड ये आपकी प्राइवेट की है। आप ध्यान देना, ये आपकी प्राइवेट की है, आप इसको कॉपी करके यहाँ पे प्रिंट वॉलेट पे भी क्लिक कर सकते हो एंड इसको आप अच्छे से अपने किसी भी पेपर वॉलेट में सेव कर लेना। एंड यहाँ पे देखिए सेव का ऑप्शन आ गया, सेव पीडीएफ, तो यहाँ पे मैं क्लिक कर लूँगा इसको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा एंड ये मेरी फाइल, ये देखिए यहाँ पे मैं इसको कुछ भी नाम दे दूँगा, कुछ भी, माई माई की, ओके माई की, एंड यहाँ पे डन। अब मैंने कर दिया इसको सेव, ओके। अब मैं आता हूँ बैक, मैंने सब कुछ आपको लाइव प्रोसेस दिखा रहा हूँ एंड बाद में आप ये मत कहना कि हमें कुछ भी समझ में नहीं आया। यहाँ पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ ताकि आपको माई फ्यूजन वॉलेट क्रिएट करने में कोई भी दिक्कत नहीं आए। अब देखिए हमने कर लिया सारा कुछ स्टेप, अब हम दोबारा से डैशबोर्ड पे आ गए। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है अपना वॉलेट को लॉगिन। अब यहाँ पे लॉगिन कैसे करना है, आप देखिए जब आप अपने वॉलेट पे आओगे तो यहाँ पे आपको कुछ नंबर शो हो रहा है, ये देखिए लेज़र वॉलेट की स्टोर फाइल एंड प्राइवेट की। हमें जो दो हमारे ऑप्शन है ये एंड ये, हम इन दो से करेंगे। तो हमारे पास प्राइवेट की ऑलरेडी है एंड की स्टोर फाइल, तो हम पहले कर लेते हैं प्राइवेट की से। एंड यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे डालेंगे अपनी प्राइवेट की एंड यहाँ पे हम करेंगे अनलॉक पे क्लिक। अब देखिए ये हमारा वॉलेट आपके सामने लॉगिन हो गया गाइस, आपके सामने। सो, यहाँ पे देख सकते हो एंड यहाँ पे से जो हमें एड्रेस कॉपी करना है वो एड्रेस रहा ये वाला जो आपके सामने शो हो रहा है, पब्लिक एड्रेस, ये वाला। यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन भी है, ये है एड्रेस। एंड अभी देखिए बिल्कुल नया अकाउंट है एंड इस एड्रेस को हम कॉपी करके अपने फ्यूजन वॉलेट में ऐड करेंगे एंड वहाँ पे जो कि ये ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे देख सकते हो आप नीचे इस वाले ऑप्शन पे इनपुट फ्यूजन एड्रेस, तो यहाँ पे हमें 30 CHNG टोकन मिलेंगे जो कि मैंने पिछली वीडियो में मिस कर दिया था एंड मैं इस वीडियो में कवर कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इसमें मैंने पूरा प्रोसेस बता दिया, अगर हमारे जो भी चैनल पे नए मेंबर हैं तो वो भी बिना किसी दिक्कत के इस वीडियो को देख के इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन भी कर सकते हैं एंड सारी चीज़ें इसमें लिंक भी कर सकते हैं। अब देखिए जैसे जो ऊपर मैंने सारे सोशल मीडिया लिंक करे हैं वैसे ही आप यहाँ पे जो मैं अभी आपके सामने वॉलेट लिंक करूँगा वैसे ही आप सारी चीज़ लिंक कर सकते हो। तो ठीक है, मैंने वॉलेट भी आपको क्रिएट करना बता दिया एंड अब मैं अपने इसमें एड्रेस ऐड करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं चलिए अब मैं प्राइवेट की के थ्रू यहाँ पे अपना अकाउंट लॉगिन करके दिखाता हूँ। मैं करता हूँ प्राइवेट की पे क्लिक एंड ये मैंने जो अभी डेमो अकाउंट क्रिएट किया था ये उसकी प्राइवेट की थी, इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से रिमूव। एंड जो मेरी पर्सनल प्राइवेट की है जो मैंने अपना वॉलेट यहाँ पे क्रिएट किया है उसको मैं यहाँ पे करता हूँ पेस्ट एंड करता हूँ अनलॉक। अनलॉक करते ही ये मेरा सामने आपके सामने आ गया पब्लिक एड्रेस। मैं इस एड्रेस को कॉपी करके एंड अपने change.finance में वहाँ पे करूँगा पेस्ट एंड इंस्टेंटली 30 टोकन हमें कैसे मिलेंगे वो भी आपको लाइव दिखाऊँगा। तो यहाँ पे मैं करता हूँ इसको कॉपी, ये देखिए हमारा कॉपी हो चुका है। अब मैं चलता हूँ अपने अकाउंट पे और ध्यान रखना जैसे मैं यहाँ पे वॉलेट एड्रेस ऐड कर रहा हूँ वैसे ही आपको ये सारे टास्क करने हैं, लिंक्डइन, फेसबुक वगैरह इन सब के। तो यहाँ पे चलिए मैंने अपना एड्रेस कॉपी कर लिया है एंड मैं यहाँ पे इनपुट पे करूँगा क्लिक। ठीक है, इनपुट पे क्लिक करके एंड देखिए यहाँ पे अब मैं अपना करूँगा
एड्रेस पेस्ट कर दिया आपके सामने। अब मैं करता हूँ सेंड पे क्लिक। ये देखिए मैंने किया सेंड पे क्लिक, अटैच हो गया। एंड यहाँ पे अभी 183 टोकन आपके सामने शो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे 183 टोकन शो हो रहा है। अब मैं करता हूँ पेज को रिफ्रेश। ये देखिए अब आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे टोकन ऐड हो चुके हैं 100% आपके सामने। सो इसमें मैंने ए टू जेड आपको सारा कुछ बता दिया। प्लीज़ प्लीज़ आप इस प्रोजेक्ट को मिस मत करिएगा। कुछ नहीं तो आप यहाँ पे मोबाइल नंबर और फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन वगैरह यही ऐड कर लेना। इसके आपको अच्छे खासे टोकन मिल जाएंगे। एंड इन्होंने बताया है अगले महीने में हम अपने इन टोकन को मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सबके एड्रेस पर। एंड उसको मतलब और इस मतलब जो टोकन है इसको हम बाइनेंस या फिर बिटथम वगैरह इस एक्सचेंजों पे लिस्ट भी करेंगे। सो प्लीज़ आप इसको मिस मत करना। मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ बताया है इस वीडियो में। अगर आपने बैठ के इस वीडियो को आराम से देखा होगा तो आपको सारा कुछ जो भी फंडा इसका समझ में आ गया होगा। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करना। एंड वीडियो लंबी ज़रूर हो जाती है, मगर जब वीडियो लंबी होती है तो उसमें आपको कुछ ना कुछ स्टेप बाय स्टेप नया बताया गया होगा, तभी वीडियो लंबी होती है। सो बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तब तक के लिए बी सेफ एंड आप